नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम राजेश। खोलो अपना जिम से। आप सभी को जय श्री राम, जय हनुमान। मेरा आज का टॉपिक है कि आप अपने रनिंग जिम को कैसे प्रॉफिटेबल में ले जा सकते हैं। उसके लिए कुछ बहुत ही सरल चीज़ें हैं जो आपको फॉलो करनी है एंड रिजल्ट विल बी योर्स। मेरा सबसे पहला टॉपिक है एनालाइज योर कॉम्पिटिटर। सबसे पहले जिस भी शहर कस्बे में आपका जिम है, नियर बाई आप थोड़ा रिसर्च कीजिए, जानिए कि आपके जो कॉम्पिटिटर हैं उनका फीस स्ट्रक्चर क्या है, वो क्या सर्विसेज दे रहे हैं। इससे आपको अपने प्रोडक्ट यानी कि अपने सेलिंग प्रोडक्ट जिम की मेंबरशिप को समझने में मदद मिलेगी। मेरा दूसरा पॉइंट है, जो भी मेंबरशिप आप सेल करते हैं, मंथली, क्वार्टरली, ईयरली, उसमें एक जो डिस्काउंट है आपका वो फिक्स रखिए, कभी भी उस प्राइस से नीचे मत जाइए। एग्जाम्पल, आपकी मंथली मेंबरशिप अगर 3,000 है और आप उसको 2,200 में देते हैं, तो कभी भी उसको डिस्काउंट के बाद, अगर आप बोल रहे हैं कि मेरा डिस्काउंट है और उसके बाद मैं 2,200 में इसको देता हूँ, तो उससे नीचे कभी मत जाइए, प्राइसेस फिक्स रखिए उसकी मदद। तीसरा फॉरमोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो भी मेंबर्स आपके यहाँ विजिट के लिए आते हैं उनको फ्री ट्रायल के लिए कन्विंस कीजिए, फ्री ट्रायल दीजिए। देखिए, उसमें आपका वैसे भी कुछ नहीं जा रहा है, जो भी आपके जिम के खर्चे हैं वो वैसे के वैसे ही हैं, लेकिन फ्री ट्रायल में एक चांसेस होते हैं कि कस्टमर शायद कन्वर्ट हो जाए। तो ज्यादा से ज्यादा लोगों को फ्री ट्रायल के लिए एनकरेज कीजिए और अपनी टीम में। मेरा चौथा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अपने जिम में जो भी आपका सेंटर है उसमें कम्युनिटी डेवलप करने की कोशिश करें। कम्युनिटी मींस हमेशा कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा एक्टिविटीज वहां पे जरूर रखें, कोई भी, कभी ना कभी हफ्ते में 15 दिन में एक बार उनको आउटडोर योगा कुछ एक्टिविटीज करा दी, कोई छोटा सा प्रोग्राम जिम में रख दिया, मेंबर्स को इससे इंटरेस्ट बना रहता है उसका आपके जिम में। मेरा सिक्स पॉइंट है कि जो भी आपका स्टाफ है, रिसेप्शन, मैनेजर, ट्रेनर्स, टाइम टू टाइम उनके साथ एक मीटिंग रखिए, 1-to-1 मीटिंग भी कीजिए और हो सके तो ग्रुप मीटिंग कीजिए। रीज़न ये है कि आप जिस भी पर्पस के साथ, बेसिकली एम के साथ जिम खोलते हैं और जो आपका मेन प्रोस्पेक्टिव होता है, तो हमेशा दिक्कत ये होती है कि जो भी आपका स्टाफ होता है वो पैरेलली उस एम को शायद नहीं समझ पाता, तो उसको नहीं पता कि क्या अप्रोच रखनी है, तो उसको रिफ्रेश करने के लिए टाइम टू टाइम स्टाफ के साथ मीटिंग करते रहिए। एक और नई चीज है जो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ, आप अपने जिम में हो सके तो रिसेप्शन के पास एक स्क्रीन लगाइए और जो आपके कुछ मेंबर्स हैं उनके रिव्यूज रिटर्न में, टेक्स्ट में, मींस नॉट की रजिस्टर। ज्यादातर लोग क्या करते हैं, हमेशा उनको रजिस्टर में नोट करा लेते हैं, रजिस्टर में नोट ना करा के उनके जो रिव्यूज उन्होंने रजिस्टर में लिखे हैं उसको आप सेम, आपको बैक साइड आप अपने टीवी पे स्क्रीन पे चलाइए उनकी फोटो के साथ, तो उसका जो भी विजिटर आपके जिम में विजिट करने आते हैं अगर ये इस चीज को वो देखते हैं तो उसका बड़ा ही उस पर फर्क पड़ता है। एक पॉइंट और मैं ऐड करना चाहूंगा कि मंथली बेसिस पे एक प्रमोशन डे रखिए। उस अगर आप जनरल आप 10% डिस्काउंट देते हैं तो उस दिन आप 15-20% या 25% डिस्काउंट दीजिए एग्जिस्टिंग मेंबर प्लस न्यू विजिटर्स, ऑल आपकी जो विजिटर्स लिस्ट है सबको वो प्रमोशन भेजिए। होता क्या है कि एक दिन में आपको मैक्सिमम रेवेन्यू कलेक्ट करने का मौका होता है, लेकिन कभी भी उसको एक्सटेंड मत कीजिए, एक दिन मतलब एक दिन, और उसका फायदा आपको मिलेगा। रीजन ये है कि जो भी अमाउंट आप कलेक्ट करेंगे आपकी सेल बूस्ट हो जाएगी इन अ सिंगल डे। टाइम टू टाइम जो आपके जिम की इंटीरियर थीम है उसको रिफ्रेश करते रहिए, माइनर चेंजेस करते रहिए, उससे मेंबर्स को एक न्यूनेस नजर आती है। जब भी आप मेंबर्स आपके जिम में आते हैं उन्हें लगता है कि हाँ कुछ ना कुछ टाइम टू टाइम हो रहा है, जो हमारा मैनेजर है या हमारा ऑनर है जिम का वो एक्टिव है, इससे पता लगता है और इसका बहुत प्रभाव पड़ता है आपके रिन्यूअल्स पे, तो इस चीज का भी आप ध्यान रखिए। अपने जिम के बेसिक हाइजीन को मेंटेन करके रखिए। अक्सर हम लोग यहाँ पे गलती करते हैं, हमारा हमेशा फोकस होता है जिम में ज़्यादा से ज़्यादा नई चीज़ें ऐड ऑन करने का, अच्छी बात है आप करिए, लेकिन हमेशा जो आपका बेसिक थीम है यानी कि बेसिक हाइजीन्स जो है उसको मेंटेन करके रखिए। मीन्स अगर आपका जिम बहुत बेसिक है लेकिन साफ सुथरा है, अच्छा है, तो वो भी मेंबर्स को एंकरेज करता है रिन्यूअल्स के लिए। आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि इन सरल चीज़ों से आपको अपने जिम में रेवेन्यू बढ़ाने में मदद मिलेगी, और आपसे आग्रह करता हूँ कि अपने स्टाफ के साथ मिलजुल के अच्छे से काम करें जिससे कि आपका रेवेन्यू भी बढ़े और इंडिविजुअल स्टाफ को भी फायदा हो। थैंक यू। आज के लिए बस इतना ही।